जय हिंद दोस्तों, डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल। ये सवाल जब हम लोग स्कूल्स में जाके करियर ओरिएंटेड सेमिनार किया करते थे तो एक सवाल हमारे पास आता था कि हम डॉक्टर कैसे बने, हम इंजीनियर कैसे बने, हम आईएएस ऑफिसर कैसे बने, हम डिफेंस में ऑफिसर कैसे बने। तो इसका एक सिंपल सा मैं आप लोगों को जवाब देना चाहूँगा कि लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल। जिस भी फील्ड में आप लोग जाना चाहते हैं तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि उस फील्ड में सक्सेसफुल लोग कौन है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे, अगर आप डिफेंस में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको वो ऑफिसर्स ढूंढने पड़ेंगे, और अगर आप आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन वो लोग हैं जो कि जिनका ड्रीम आपके जैसा ही है और जिनको सफलता मिली है। एक बात तो सोचने वाली है कि कोई भी सफल इंसान जब सक्सेस पाथ पे चलता है तो वो अपने फुटप्रिंट्स जो हैं वो छोड़ के जाते ही हैं। तो अगर हम उनसे सीखें कि आप लोगों ने सफलता कैसे हासिल करी तो वो लोग आपको एक क्लियर कट तरीका बताएंगे कि उन्होंने किस तरीके से उस ड्रीम को अचीव किया। मैं मानता हूँ कि उनको फेलियर्स भी मिले होंगे, लेकिन यहाँ से एक आइडिया होगा कि कहीं जो गलत चीज़ें उन्होंने की थी इन द पाथ ऑफ सक्सेस, क्या वही गलत चीज़ें आप तो नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि हम कहाँ से देखें, हम जो हमारा ड्रीम है जिन लोगों ने अचीव किया है उन लोगों से हम कैसे मिले। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, कुछ चैनल्स हैं जैसे कि जोश टॉक है, टेडेक्स है, तो वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फील्ड के लोग आते हैं। आप देखिए कि आपका फील्ड कौन सा है। आप ऐसी अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अगर आप आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, अगर आप सीए बनना चाहते हैं, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, आप देखेंगे कि उस चैनल में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप वहाँ पर जाइए, देखिए। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि कोई ना कोई जो स्टोरी है वो कहीं ना आपसे रिलेट करेगी, तो आप यहाँ से अपना एक सक्सेस पाथ बना सकते हैं, रादर देन कि आप खुद से ही ट्राई करें, खुद से ही मिस्टेक करते जाएं और अपनी मिस्टेक से सीखें। स्मार्ट वर्क यही है कि आप दूसरे की मिस्टेक से सीखें और जो उन्होंने अच्छी चीज़ें करी आप वो इम्प्लीमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।